ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 30 नवंबर 2021 बार मंगलवार के पंचांग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट भगवान का नाम, अपने आराध्य भगवान का नाम अवश्य लिखें। आइए, पंचांग शुरू करने से पहले जानते हैं आज के दिन क्या विशेष रहने वाला है। आज एकादशी का व्रत है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा बताई गई है। आज के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आज अत्यंत शुभ और लाभप्रद मानी गई है। भगवान लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जप आज आपको विशेष शुभ और लाभ देने वाला रहेगा। इसलिए भगवान लक्ष्मी नारायण के मंत्र को शुरुआत करके हम अपने पंचांग की शुरुआत करते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदिशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विरध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। भगवान लक्ष्मी नारायण सभी का मंगल करें, इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं पंचांग। बार मंगलवार। विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह मार्गशीर्ष माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी तिथि, नक्षत्र हस्त नक्षत्र, जो कि रात 8:34 तक रहेगा, उसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। योग आयुष्मान योग, करण बव करण, जो कि शाम 3:19 तक रहने वाला है, उसके बाद बालव करण शुरू हो जाएगा। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, इन पांचों से मिलकर पंचांग का निर्माण होता है। आइए बात करते हैं सूर्योदय 7:00, सूर्यास्त 5:19, सूर्यदेव अपनी मित्र की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। बात करें हम चंद्रोदय की तो 2:14, चंद्रास्त की बात करें तो 2:36, चंद्र राशि की हम बात करें तो चंद्रदेव कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, जिसके कि स्वामी बुध देव हैं। आइए बात करते हैं शुभ समय। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त, अपने इष्ट देव की आराधना मंत्र जप के लिए ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त 5:23 से सुबह और 6:11 तक रहने वाला है। बात करें हम अभिजीत मुहूर्त की तो 11:49 से सुबह और 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अपना कोई भी शुभ कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उस शुभ कार्य को अभिजित मुहूर्त में आप शुरू कर सकते हैं। आइए बात करते हैं दिन के चौगड़िए की। शुरुआत करते हैं सूर्योदय से। रोग का चौगड़िया 7:00 से लेकर 8:17, रोग के बाद उद्वेग 8:17 से लेकर 9:34, उद्वेग के बाद चरका चौगड़िया 9:34 से लेकर 10:52, चरका चौगड़िया सामान्य समय है। चर के बाद लाभ 10:52 से लेकर 12:09, लाभ का चौगड़िया शुभ समय है। लाभ के बाद अमृत 12:09 से लेकर दोपहर 1:27, अमृत का चौगड़िया भी शुभ समय है। अमृत के बाद काल 1:27 से लेकर दोपहर 2:44, काल का चौगड़िया अशुभ चौगड़िया है। काल के बाद शुभ 2:44 से लेकर 4:01, शुभ का चौगड़िया शुभ समय है। शुभ के बाद हम बात करें यहाँ पर रोग के चौगड़िए की, तो रोग का चौगड़िया 4:01 से लेकर शाम 5:19 तक रहेगा। इन सभी चौगड़ियों में शुभ, लाभ और अमृत, ये तीनों चौगड़िए अत्यंत शुभ माने गए हैं। रोग, काल और उद्वेग, इन्हें अशुभ चौगड़िए की संज्ञा दी गई है। आइए बात करते हैं अशुभ समय राहु काल और गुरिक काल की। दोनों समय को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ समय माना गया है। कोई भी शुभ कार्य इन दोनों समय में शुरू नहीं करते हैं। राहु काल की बात करें तो 1:30 से लेकर 3:00 तक राहु काल रहेगा। गुरिक काल 12:00 से लेकर 1:30 तक रहने वाला है। आइए बात करते हैं दिशाशूल, यानी कौन सी दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए आज के दिन। आज के दिन का दिशाशूल है उत्तर दिशा। फिर भी अगर जातक उत्तर दिशा में यात्रा कर रहा है तो उसे यात्रा करने से पहले दिशाशूल का परिहार अवश्य करना चाहिए, यानी यात्रा से पहले आज के दिन गुड़ का सेवन अवश्य करें। आइए बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले हम बात करें चंद्रबल, तो चंद्रबल यानी शुभ राशि की, कौन कौन सी राशि आज के दिन शुभ राशि रहने वाली है। तो शुभ राशि है मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन। ये सभी राशियां आज अत्यंत शुभ राशि रहने वाली हैं। इन राशि वाले लोग अपना शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। बात करें नामाक्षर की, कि आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि
नामाक्षर और जन्म पाया क्या रहने वाला है। तो जन्म राशि रहेगी कन्या राशि। अगर हम बात करें नामाक्षर की तो नामाक्षर रहेंगे श, ण, ठ और पे। जन्म पाए की बात करें तो सभी का रजत का जन्म पाया रहेगा। धन्यवाद।